नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि लैपटॉप एडाप्टर कैसे रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों चलिए पहले देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो दोस्तों पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो एडाप्टर मेरे पास है 19 वोल्टेज का है। देखिए 19 वोल्टेज एंड 3.42 एम्पेयर का एडाप्टर है। तो जाहिर सी बात है इसमें 19 वोल्टेज आना चाहिए, तभी जाके आपका जो लैपटॉप है वो प्रॉपर तरीके से चार्ज होगा। तो पहले हम देख लेंगे कि इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है। मैंने एसी वोल्टेज से कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब अप एंड डाउन हो रहा है। और इसका जो वायर है इसको थोड़ा सा हिलाने से ही देखिए ये वाला ज़्यादा हो रहा है, और इसमें 19 वोल्टेज भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए ऐसा करके आप अगर चार्ज देंगे लैपटॉप को तो आपको 19 वोल्टेज मिल रहा है और प्रॉपर तरीके से आपका लैपटॉप भी चार्ज होगा। लेकिन ये जो वायर है थोड़ा सा हिल गया तो इसका देखिए वोल्टेज घट रहा है। देखिए अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है, 0.73 आ रहा है। तो इसमें तो आपका लैपटॉप जो है चार्ज होगा नहीं। देखिए अभी 14, 11 ऐसा कुछ हो रहा है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है वो हम लोगों को ढूंढना है और इसको रिपेयर करना है। तो दोस्तों आपके पास भी अगर कोई लैपटॉप एडाप्टर है पहले उसको चेक कर लीजिए कि वोल्टेज अप डाउन का प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर वोल्टेज अप डाउन का प्रॉब्लम है तो आप इजी तरीके से घर में बैठ के ही इस एडाप्टर को आप रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए प्रोसेस दिखा देते कि फास्ट आपको कैसे चेक करना है और कैसे आपको रिपेयर करना है। तो उससे पहले दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और लैपटॉप रिलेटेड, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। स्पेशली लैपटॉप हिंज आपको अगर रिपेयर करना है, लैपटॉप डिस्प्ले कैसे रिप्लेस करना है, कीबोर्ड कैसे रिप्लेस करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए पहले हम लोगों को क्या देखना है। देखिए इसके अंदर दो पिन होता है, इसके अंदर दो पिन होता है। तो पिन के वजह से भी आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको दो साइड में दो पिन नजर आएगा। तो पिन अगर थोड़ा सा दब गया है तो इसको आपको पहले थोड़ा सा उठा देना है। जितना सारा प्रोसेस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हालांकि इस एडाप्टर में ये वाला प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ क्या होता है। लैपटॉप एडाप्टर बार बार यूज़ करने से ये वाला जो पिन है अंदर दब जाता है और उसके वजह से भी चार्ज होता नहीं है। तो आपको अगर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे जो वायर है वायर को हिलाने से ही अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, आपको डायरेक्टली वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो आप पहले इस अंदर वाला पिन को चेक कीजिए। अगर दब गया है तो थोड़ा सा यहाँ से ट्वीज़र के मदद से आप थोड़ा सा उठा दीजिए, तो क्या होगा लैपटॉप का जो कनेक्टर है उसके साथ कनेक्ट हो पाएगा और आपका लैपटॉप जो है चार्ज होगा। तो वाला पहला प्रोसेस आपको देख लेना है। लेकिन दोस्तों इस लैपटॉप में जो प्रॉब्लम है यहाँ पे वायर का प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली वायर को यहाँ से कट करेंगे और वोल्टेज चेक करेंगे। तो उससे पहले लैपटॉप एडाप्टर एसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है, उसको आप निकाल दीजिए एसी वोल्टेज से। मैंने निकाल दिया। अभी दोस्तों यहाँ पे काट करेंगे, और वायर को थोड़ा सा छील लेंगे और यहां से देखेंगे कि यहां पे प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। आपका अगर कनेक्टर में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप आसान तरीके से इसको रिपेयर भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपको मार्केट में इसका कनेक्टर मिल जाएगा, आप इसको खरीद के भी यहाँ पे लगा सकते हो।
जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला कनेक्टर है। तो आपका अगर कनेक्टर में प्रॉब्लम आ रहा है, सिर्फ कनेक्टर में, तो आप ये वाला कनेक्टर खरीद के यहाँ पे डायरेक्टली लगा के आप आसान तरीके से यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आपको देख लेना है कि वायर में प्रॉब्लम है या कनेक्टर में। कनेक्टर में अगर प्रॉब्लम है तो काट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बाज़ार से खरीद के लेके आइए, सस्ते में मिल जाएगा आपको। ये वाला यहाँ पे लगा दीजिए तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम मेरे पास जो एडाप्टर है जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है वायर का, तो इसमें हम लोगों को वायर का काम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले वोल्टेज को चेक करेंगे, उसके बाद ही जाके आगे का प्रोसेस आपको समझ में आएगा। तो यहां से भी थोड़ा सा कट कर लेंगे। अभी दोस्तों हम लोग यहां से वोल्टेज को चेक करेंगे अप एंड डाउन हो रहा है कि नहीं। तो चलिए फिर से लगा देते हैं एसी वोल्टेज में, और यहां पे हम चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहां पे जो है अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, आपको 19 वोल्टेज मिल रहा है। देखिए तो जितना सारा प्रॉब्लम हम लोगों को यहां पे आ रहा था एडाप्टर से, वो यहाँ से आ रहा है यहाँ से। तो हम लोगों ने ये भी चेक किया कि इस पॉइंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे और डायरेक्टली इसको यहाँ से जोड़ देंगे, जोड़ के देखेंगे। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे भी हम लोगों को अप एंड डाउन का प्रॉब्लम अगर आएगा तो हम लोगों को एडाप्टर को चेक करना है, ना कि वायर को। तो मुझे मालूम था क्योंकि यहाँ पे 19 वोल्टेज आ रहा था, इसीलिए मैंने एडाप्टर खोला नहीं है। ऐसे आप देख सकते हो ये एडाप्टर पहले भी रिपेयर हो चुका है। तो देख के आपको करना है, आपके पास अगर कोई एडाप्टर है जिसको आपको रिपेयर करना है तो आप पहले देख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा कट गया है, तो आपको ध्यान में रखना है ये वाला। देखिए मेन प्रॉब्लम था इसका जो वायर है, यहाँ से ही टूट गया है, इसीलिए मतलब ये वाला प्रॉब्लम आ रहा था। क्योंकि मैंने काट तो सही तरीके से किया, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव वायर था वो यहाँ से पूरा टूट चुका था पहले से ही, इसीलिए ये वाला प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम लोगों को पहले एक बार चेक कर लेना है कि यहाँ पे वोल्टेज हम लोगों को मिल रहा है कि नहीं, उसके बाद हम जुगाड़ लगा देंगे यहाँ पे। और वायर का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो जाहिर सी बात है वायर आपका यहाँ से टूट सकता है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे लगा के चेक करेंगे जस्ट। इस सिचुएशन में आपको कैसे इसको रिपेयर करना है वो भी हम वीडियो के आखिर में बता देंगे दोस्तों, टेंशन का बात नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, ऐसे जोड़ दिया है।
तो अभी चलिए वोल्टेज को पहले चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर वोल्टेज हम लोगों को मिल रहा है कि नहीं, उसके बाद जाके हम आपको दिखा देंगे कि कैसे आपको करना है। तो अभी चलिए, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे 19 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हिल जाने से फिर से अप एंड डाउन हो रहा है। तो इस वायर का प्रॉब्लम था, इसीलिए मतलब ये वाला प्रॉब्लम आ रहा था। तो आपको अभी क्या करना है, देखिए यहाँ पे कोई वायर नहीं है, मतलब बहुत ही छोटा पोर्शन यहाँ पे बचा हुआ है। तो आप दो काम कर सकते हैं, एक तो दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्टली सोल्डरिंग कर दीजिए छोटे वायर के साथ ये वाला, और यहाँ पे भी सोल्डरिंग कर दीजिए तो फिक्स हो जाएगा, और टेप से इसको जोड़ दीजिए तो आराम से चलेगा। और टेप अगर लगाएंगे तो यहाँ से आपको यहाँ तक लगाना है, पूरा पूरा लगाना है, और हो सके तो एक पाइप भी यहाँ पे आप लगा सकते हो ताकि आपका जो वायर है हिले नहीं। और दूसरा आप कर सकते हैं जो नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट को इसके साथ डायरेक्टली आप सोल्डरिंग कर सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा, ताकि एडाप्टर में भी घुसे, ऐसा आपको देख के करना है। यहाँ से आप डायरेक्टली सोल्डरिंग कर सकते हो, और बेटर ऑप्शन है यहाँ पे ही आप सोल्डरिंग करके टेप से इसको फिक्स कर दो। तो ऐसे ही दोस्तों आपको देख के करना है कि लैपटॉप एडाप्टर में एक्चुअली कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है और इसको कैसे फिक्स किया जाए। तो आप लोगों के सामने ही मैंने लाइव प्रूफ करके दिखाया, और इसका जो प्रॉब्लम था वायर अंदर से ही टूट गया था। देखिए मैंने कटर से ठीक ठाक ही मतलब इसको कट किया, लेकिन अंदर से ही टूटा हुआ था यहाँ पे, इसीलिए ये वाला प्रॉब्लम आ रहा था। तो आपको देख के करना है, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का। और इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई भी पिक्चर वगैरह भेजना चाहते हो तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। और दोस्तों आप जरूर मेरा चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट लगा हुआ है कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग रिलेटेड, सीसीटीवी रिलेटेड, एंटीवायरस रिलेटेड, बायोमेट्रिक रिलेटेड, क्विकेल एंटीवायरस रिलेटेड, कैश कलेक्शन, हैंडल मशीन रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। और स्पेशली लैपटॉप रिपेयरिंग का बहुत सारा वीडियो मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, स्पेशली हिंज का। हिंज टूट जाने से हम लोगों का जो लैपटॉप है अनयूज्ड हो जाता है, तो हम यूज़ कर नहीं पाते। तो घर में ही बैठ के आप बड़ी आसानी से लैपटॉप हिंज को रिपेयर कर सकते हो, जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए, कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पर अगर नहीं हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।